हे गाइस, कैसे हो आप लोग। गाइस आज मैं करने जा रहा हूँ एक पबजी बैटरी ड्रेन टेस्ट पांच स्मार्टफोन के बीच पे, पोको एक्स 3, रियल मी 7 प्रो, सैमसंग गैलेक्सी F41, पोको एक्स 2 और रियल मी नार्जो 20 प्रो के बीच में। हम 3 घंटे पबजी खेलेंगे, 2 घंटा स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग्स के साथ ब्राइटनेस लेवल को आधा करके और 1 घंटा स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग्स के साथ ब्राइटनेस को फुल करके। तो गाइस ब्राइटनेस को 50% करके और 100% करने में आपको बैटरी ड्रॉप में कितना फर्क देखने को मिलेगा इसका आइडिया हो जाएगा। और साथ में टेम्परेचर के बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, 3 घंटा पबजी खेलने के बाद कौन से फ़ोन में कितना बैटरी ड्रॉप होता है और कितना टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा। चारों स्मार्टफोन मेरा 6GB रैम वेरियंट है और सिर्फ नार्जो 20 प्रो जो है ये 8GB रैम वेरियंट है। पोको एक्स 3 और सैमसंग गैलेक्सी F41 में 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और बाकी रियल मी 7 प्रो, पोको एक्स 2 और नार्जो 20 प्रो में आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करूँ तो पोको एक्स 3 और पोको एक्स 2 में आपको 6.67 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। नार्जो 20 प्रो में भी आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 6.5 इंच का। सैमसंग गैलेक्सी F41 और रियल मी 7 प्रो में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 6.4 इंच का। रूम टेम्परेचर 31 के आसपास दिख रहा है, ओके। एंड ये है पोको एक्स 3 और बैक में 31 के आसपास है, ओके। एंड रियल मी 7 प्रो सेम, ओके। सैमसंग गैलेक्सी F41 31 ऑलमोस्ट सेम, ओके। पोको एक्स 2 तो आप देख सकते हो जो रूम टेम्परेचर है वही फ़ोन का टेम्परेचर है। पोको एक्स 3 देख सकते हो आप सेम टेम्परेचर, रियल मी 7 प्रो थोड़ा सा ज़्यादा, सैमसंग अगेन थोड़ा सा ज़्यादा 31.3 दिखा मैक्सिमम, और ये है पोको एक्स 2। तो गाइज ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर हमें देखने को मिला है फ्रंट में, बैक में। ब्राइटनेस है अभी आधा 50%। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, मैं आपको फटाफट पहले टेम्परेचर दिखा दूं। पोको एक्स 3 40 डिग्री तक चला गया है, रियल मी 7 प्रो 41, ओके। स्नैपड्रैगन 720G, सैमसंग गैलेक्सी F41 40 के आसपास है, यानी रियल मी 7 प्रो से थोड़ा सा कम है। पोको एक्स 2 39.8, वाव, टेम्परेचर कम देखने को मिल रहा है। ये है नार्जो 20 प्रो 40 के आसपास दिख रहा है टेम्परेचर। तो सैमसंग गैलेक्सी F41 में केवल 6% ड्रॉप हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 100 से 99 आने में काफ़ी टाइम लिया था सैमसंग ने। पोको एक्स 3 में गाइज 9% ड्रॉप हुआ है, रियल मी 7 प्रो में 13% ड्रॉप हो चुका है, पोको एक्स 2 में 1 घंटे में 16% ड्रॉप हो चुका है और नार्जो 20 प्रो में 13% ड्रॉप हुआ है। तो 2 घंटा होने वाला, मैं आपको पहले फटाफट टेम्परेचर दिखा दूँ, उसके बाद दिखाता हूँ 2 घंटे के बाद कितना बैटरी ड्रॉप हुआ है। तो गाइज ये है पोको एक्स 3, लास्ट टाइम जो हमने टेम्परेचर नोट किया था तो उस वक्त 40.7 मैक्सिमम दिखा था और अभी 42 के आसपास दिख रहा है, थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ गया है 2 घंटे में, यानी फ़ोन गर्म हो गया है। एंड ये है रियल मी 7 प्रो 41 दिख रहा है, 41 के आसपास उस वक्त भी दिखा था 1 घंटे पहले, अभी 41.6 थोड़ा सा बढ़ा है। और गाइस सैमसंग F41 42.2 दिख रहा है, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा इस पर भी देखने को मिल रहा है, 40 के आसपास था। पोको एक्स 2 41, ये 39.7 के आसपास था मैक्सिमम और मिडल में 40, एंड रियल मी नार्जो 20 प्रो वाओ 40 के आसपास था, ये भी 42 हिट कर चुका है। पोको एक्स 3 42, रियल मी 7 प्रो थोड़ा सा कम है, सैमसंग F41 वाओ 42 के आसपास, ये भी पोको एक्स 3 जितना टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। ये है पोको एक्स 2 43, नार्जो 20 प्रो
41 प्लस है ये, 41 के आसपास है। दो घंटों के बाद बैटरी का ये है हाल। पहले घंटे में बैटरी ड्रॉप थोड़ा सा कम देखने को मिला, स्पेशली 100 से 99 होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन इस बार बैटरी ड्रॉप थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला। इसका कारण एक ये भी है कि फ़ोन अब थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है। बात करो अगर पोको एक्स 3 की तो 91% था और अभी 77% देखने को मिल रहा है, यानी 14% ड्रॉप हो चुका लास्ट घंटे में। यानी पहले घंटे में केवल 9% ड्रॉप हुआ था। गाइस रियलमी 7 प्रो की बात करूँ तो पहले घंटे में केवल 13% ड्रॉप देखने को मिला और इस घंटे में 16% ड्रॉप देखने को मिल रहा है। सैमसंग F41 की बात करूँ तो पहले घंटे में ओनली 6% ड्रॉप हुआ था और इस घंटे में गाइज 94% से 83% दिख रहा है, 82% यानी 12% ड्रॉप हो चुका है। एंड पोको X2 की बात करूँ तो गाइज पोको X2 में 84% था, अभी 65% यानी 19% ड्रॉप देखने को मिल रहा है, पहले घंटे में केवल 16% ड्रॉप हुआ था। और गाइज नार्जो 20 प्रो की बात करूँ तो 87% से 69%, 18% ड्रॉप हो चुका है और पहले घंटे में केवल 13% ड्रॉप हुआ था। तो गाइस दो घंटे हमने ऑलरेडी पबजी खेली है, एक और घंटा हम पबजी खेलेंगे, लेकिन इस बार ब्राइटनेस को मैंने फुल कर दिया है, तो देखते हैं बैटरी ड्रॉप कितना देखने को मिलता है इस घंटे में। तो 3 घंटा हो गया पूरा। चलिए सबसे पहले हम टेम्परेचर देख लेते हैं। पोको X3 42 था एंड अभी भी 42 के आसपास देखने को मिल रहा है तीसरे घंटे में भी। गाइज आपको याद दिला दो, जब हमने स्टार्ट किया था वीडियो तो उस वक्त 31 था, ओके। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर आपको 3 घंटे के बाद देखने को मिलेगा अगर आपका रूम टेम्परेचर 31-32 के आसपास होगा, तो इस तरह आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। यानी ओवरहीटिंग तो नहीं है, फ़ोन थोड़ा सा गर्म होता है, कवर लगा लोगे तो आप नोटिस नहीं करोगे उतना ज़्यादा। और गाइज ये है नार्जो 20 प्रो, थोड़ा सा ज़्यादा नार्जो 20 प्रो में देखने को मिल रहा है 43। तो ये है पोको X3 और मैक्सिमम टेम्परेचर हमें 42-43 के आसपास दिख रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर रियलमी 7 प्रो। ओके T1 सैमसंग पोको X2। वैसे पोको X2 में लास्ट जो हमने नोट किया था दूसरे घंटे में भी 43 दिखा था, अभी 44 दिख रहा है। तो अभी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पोको X2 में ही देखने को मिल रहा है। नार्जो 20 प्रो भी 43 के आसपास दिख रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर। गाइस तो 3 घंटा पबजी खेलने के बाद ये है बैटरी का हाल। पोको X2 में, रियलमी 7 प्रो और नार्जो 20 प्रो में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी एंड सैमसंग F41 और पोको X3 में 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। बैटरी ड्रॉप की अगर बात करें तो 3 घंटा पबजी खेलने के बाद पोको X2 में 38% बैटरी लेफ्ट है बचा हुआ है, नार्जो 20 प्रो में 47% और रियलमी 7 प्रो में 54%। 6000 mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन की अगर बात करें तो सैमसंग F41 में ओनली 30% ड्रॉप हुआ है और पोको X3 में 40% ड्रॉप हो चुका है। एंड गाइस ब्राइटनेस फुल करके पोको X3 में 17% ड्रॉप देखने को मिला और दूसरे घंटे में यानी जब ब्राइटनेस हमने आधा करके गेम खेला था तो 14% ड्रॉप देखने को मिला था। रियलमी 7 प्रो की अगर बात करें तो इस घंटे में फुल ब्राइटनेस के साथ 71% से 54% यानी 17% ड्रॉप देखने को मिल रहा है और आधा ब्राइटनेस के साथ जब हमने गेम खेला था तो 16% ड्रॉप देखने को मिला था। सैमसंग F41 की बात करें तो हाफ ब्राइटनेस के साथ 12% ड्रॉप हुआ था केवल और फुल ब्राइटनेस के साथ भी 12% ड्रॉप देखने को मिल रहा है। इस पोको X2 की अगर बात करें तो आधे ब्राइटनेस के साथ 19% ड्रॉप देखने को मिला और फुल ब्राइटनेस के साथ भयंकर 27% ड्रॉप देखने को मिल रहा है। एंड गाइस नार्जो 20 प्रो की अगर बात करें तो हाफ ब्राइटनेस के साथ 18% ड्रॉप देखने को मिला था और फुल ब्राइटनेस के साथ 23% ड्रॉप देखने को मिल रहा है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले स्मार्टफोन की अगर बात करें यानी सैमसंग F41 और रियलमी 7 प्रो तो सेम बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रहा है, यानी ब्राइटनेस को फुल करने के बाद और ब्राइटनेस को आधा करने के बाद भी बैटरी ड्रॉप में फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन IPS LCD वाले स्मार्टफोन की अगर बात करें तो बैटरी ड्रॉप हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। 3 घंटा पबजी खेलने के बाद 31 डिग्री से मैक्सिमम 44 डिग्री के आसपास देखने को मिल रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये 5 स्मार्टफोन में आपको ओवरहीटिंग का इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। हाँ फोन थोड़ा सा ज्यादा गर्म होता है पोको X2 और रियलमी नार्जो 20 प्रो, बाकी तीनों स्मार्टफोन में 42 डिग्री मेरे हिसाब से ये नॉर्मल है। 3 घंटा पबजी खेलने के बाद इतना टेम्परेचर आपको देखने को मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और फ्यूचर में ऐसे वीडियोज़ देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।